फ्रेंड्स, माय नेम इज हर्ष एंड माय नेम इज पूर्वा एंड इन दिस वीडियो वी आर गोना रिएक्ट टू अ ब्रह्मास्त्र प्री रिलीज प्रोमो। एंड अभी ब्रह्मास्त्र मूवी को 4 दिन रह गए आई थिंक रिलीज होने में, एंड प्री रिलीज प्रोमो आया इस मूवी का एंड बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है इस मूवी की। एंड हमें भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस मूवी को देखने के लिए। तो इसमें आई थिंक इस मूवी का भी लास्ट प्रोमो होगा, बिकॉज इसके पहले 3 से 4 अलग अलग वीडियोस आई है इससे ब्रह्मास्त्र से रिलेटेड, इसकी मेकिंग में और इस मूवी का विजन और भी 3-4 वीडियोस थी। तो आई थिंक ये लास्ट वीडियो होगा आई थिंक, अगर इनकी इच्छा होती है और भी दे सकते हैं, एक दिन पहले भी दे सकते हैं कोई वीडियो। बट हम पहले इस वीडियो को चेकआउट करते हैं कि इसमें क्या नया बताया है जो इसके पहले की वीडियोज़ में नहीं बताया। तो अगर कुछ नए सीन्स हमें देखने के लिए मिलेंगे तो बहुत और ज़्यादा हमारी एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की भी बढ़ेगी, बिकॉज वो इसके पहले ना जितने भी वीडियो आए ना उसमें वो 2-3 जो उनके सिलेक्टेड शॉट्स है ना वो उसी शॉट्स को दिखा रहे हैं और हमें नए शॉट्स नहीं दिखा रहे, तो हमारी एक्साइटमेंट मतलब अभी थोड़ी चौक हो गई तो हमें और शॉट्स देखने हैं। तो देखते हैं इसमें कुछ नया मूवी का सीन वगैरह कुछ दिखाते हैं कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। इट्स अ न्यू शॉट। जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव मदद करो ताकि मैं ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर सकूं। सर्व ये विलन होगी शायद जिसमें पूरी ब्रह्मांड की शक्ति भरी हुई है, अगर वो तीनों हिस्से जुड़ गए तो इस दुनिया के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मुझ पर भरोसा रखो गुरु जी। जोशिमा आग लगा दे। मॉडर्न सीन्स भी है इस मूवी में, कार बाइक वाले वो बहुत डेंजर लग रहा है। उनका नाम नागार्जुन है ना। सारे अस्त्र के नाम बता दिए इसमें। सब कुछ जुड़ा हुआ है शिवा अग्नि की टोर से। But now, तो गाइस कुछ ही दिन का समय रह गया इस मूवी में, और जैसे कि इन लोगों ने बताया टिकट्स बुक भी होने लग गई बुक माई शो वगैरह पे, तो आप भी अपनी टिकट्स बुक कर लेना, हम भी अपनी टिकट्स बुक कर लेंगे। और आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या इसमें क्या नया अच्छा लगा, क्या और नहीं? मुझे तो इसमें वैसे जैसे मैं बता रहा था इसके पहले हमें कम शॉट्स देखने के लिए मिले थे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा नए शॉट्स हमें देखने के लिए मिले, स्पेशली अमिताभ बच्चन एंड रणवीर कपूर के। और आलिया भट्ट के कम शॉट्स देखने के लिए मिले, लेकिन अमिताभ बच्चन और रणवीर कपूर के लिए के बहुत ज़्यादा शॉट्स देखने के लिए मिले हैं। मौनी रॉय के भी देखने के लिए मिले हैं, और स्पेशली इसमें सारे अस्त्रों के बारे में बता दिया गया है, एंड नागार्जुना भी दिखे इसके अंदर। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि नागार्जुना जो है वो रणवीर कपूर से लड़ रहे हैं? मुझे तो मुनी रॉय का कैरेक्टर नेगेटिव लगा। ऑब्वियसली वो तो नेगेटिव कैरेक्टर ही है उस मूवी की, बट मुझे ऐसा लगा था कि नागार्जुना पॉजिटिव कैरेक्टर होंगे, बट इस ट्रेलर में तो ये बताया है कि ये रणवीर कपूर के साथ ही लड़ रहे हैं। आई गेस अगर मैं इनकरेक्ट हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर देना कमेंट सेक्शन में, बट मैंने एक बार का भी ट्रेलर देखा तो उससे मुझे ऐसा लगा। तो अगर ऐसा होगा तो वो अच्छा नहीं होगा, बिकॉज मुझे दोनों को एक ही टीम में देखना है। तो आप बताओ कि आपको क्या उन दोनों को एक ही टीम में देखना है क्या कि नहीं देखना है, बिकॉज अस्त्र में तो वो भी एक अस्त्र है जल अस्त्र, तो आई थिंक एक ही टीम में होंगे। आपका क्या कहना है? अमिताभ सर का आपको क्या रोल मतलब क्या कुछ आप कमेंट में बताइए कि उनका रोल क्या है, वो क्या उनके गुरु है क्या रणवीर कपूर हाँ। के या वो भी कोई अस्त्र है या शायद, और वो कुछ बता रहे थे ना कि ये तीनों अगर नहीं जुड़ेंगे तो हाँ, ऐसे कुछ तबाह मतलब तबाह हो जाएगा सब कुछ। तो उसने बोला तो था आप चिंता मत करिए गुरु जी, इसका मतलब उसके गुरु जी। हाँ सो इतना ही था अभी तो इस ट्रेलर में, और होपफुली अगर सब कुछ सही रहा तो हम लोग रिव्यू वीडियो भी बनाएंगे इस मूवी की। और अगर आप लोगों ने मूवी देख ली होगी 9 तारीख तक, तो आप भी कमेंट करके बता देना आपको कैसी लगी, और इसी वीडियो पे बताना ताकि हमें
पता चल जाए, क्योंकि हम दूसरी वीडियो की कमेंट सेक्शन में अगर आप इसका लिखोगे तो हमें कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सब अपने हिसाब से लिख देना कि आपको कैसी लगी मूवी, और हम भी अगर हो सके तो रिव्यू वीडियो बनाएंगे। एंड अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट ज़रूर करो। और जब तक अगर आप कमेंट नहीं करोगे हमें पता नहीं चलेगा आपको क्या और देखना है, तो हम वीडियो बना नहीं पाएंगे। क्या कहते हो? हाँ, और आज के लिए इतना ही गाइस, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।